दोस्तों आज के तीसरे तीतन मैच का टॉस हो चुका है, यानी कि प्लेइंग 11 के बारे में मालूम चल गया कि कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, कौन से नहीं खेल रहे हैं, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी लगाएगा, कौन कितने ओवर बॉलिंग करके देगा। तो जीएल के लिए स्पेशल वीडियो की ग्रैंड लीग में आपको कैसे रोटेशन करने होंगे, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के चौथे तीतन मैच के बारे में, जो कि गोजो वर्सेस MSW के बीच दोबारा से सेकेंड मैच हो रहा है आज के दिन का। फोर्थ तीतन मैच के बारे में बात करेंगे, एक प्लेयर का पूरा एनालिसिस, हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी होगा आपके साथ शेयर करूंगा। बस एक काम आपको करना है, वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक का पूरा देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक चीज का ध्यान देना, ये जो मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा ना, 11 प्लेयर्स की एक हमारी इनिशियल टीम होगी। मान लो चौथे तीतन मैच से टॉस होगा, उसका चौथे तीतन मैच का जैसे ही प्लेइंग 11 आएगा ना, उसके बाद जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, आप भी उस टीम से खेल सकते हो। यानी कि ये एक हमारी एनालिसिस के बेस की टीम है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जहां पर 62,000 करीब सब्सक्राइबर पहले से फ्री में ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो जाना, यहीं पर मैं अपनी फाइनल टीम आपको भेजने वाला हूँ, जिस भी टीम से मैं खुद पैसे लगाऊंगा इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा। इस ब्लू लिंक को आप क्लिक करके अभी कभी ज्वाइन हो सकते हो, तो ज्वाइन जरूर जाना, यहीं पर फाइनल टीम आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा MSW यानी कि मसीदा वॉरियर्स की टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इन्होंने इस सीरीज में 6 मैचेस के लिए 4 जीत करके रही, 2 हार करके रही है। गोजो की टीम ने 4 मैचेस के लिए 1 जीत करके रही, 3 हार करके रही है। लेकिन गोजो के काफी बड़े बड़े प्लेयर्स इस समय मैच में वापस आ गए हैं, जैसे कि नाम है एस शशि कुमार, जो कि बॉलिंग से आपको 2 ओवर पूरा करके देगा। इस सीजन का जो इसने पहला मैच खेला था वहाँ पर इसने आपने देखा था 2 ओवर बॉलिंग पूरा किया, जहाँ पर इसको एक विकेट भी मिला, अगले मैच से 1 ही ओवर बॉलिंग किया, वहाँ पे फ्लॉप किया हुआ है, लेकिन काफ़ी मेन बॉलर है। उसके बाद यहाँ से एक और प्लेयर वापस आया है, जिसका नाम आपको यहाँ से देखने मिलेगा अभिलाष, जो कि बॉलिंग से 2 ओवर पूरा करेगा, जरूरी बॉलर रहेगा, विकेट देगा बॉलर, आपके लिए काफ़ी अच्छा बॉलर रह सकता है। उसका जे यहाँ से कुनन की बात करें, इतना अच्छा प्लेयर है नहीं, यानी कि सबसे पहले तो यार सिसिल रॉय को लूँगा, जो कि MSW की टीम को से कप्तानी कर रहा है, क्योंकि इसी की टीम के मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा है। 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा दिन के पहले मैच में, भले ही जैसा भी करें, लेकिन कल के दिन के दूसरे मैच में आपने देखा था जहाँ पर ये बल्लेबाजी में खुद को ऐसा ओपनर ले आया और बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा किया, जहाँ पर इसको एक विकेट भी मिला और बल्लेबाजी में भी 18 रन बना करके दिया था। यानी कि अपने आपको कभी भी बल्लेबाजी में ओपनिंग करने को आ सकता है, और ये भी आज के दिन का दूसरा मैच है, तो यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान दे करके चलना है। टी थॉमस की बात करें, 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, MSW टीम को जीतने के चांस ज़्यादा, जरूरी प्लेयर रहेगा। टी लुइस, जो कि हर मैच 2 ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा है, बल्लेबाजी में 5वें पाएगा, जरूरी प्लेयर रहेगा। ए सुमन 2 ओवर बॉलिंग भी पूरा कर रहा है दिन के पहले मैच से, तो हर बार बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है ना, जो दिन का दूसरा मैच हो रहा है वहाँ पर इसका बल्लेबाजी क्रम नीचे कर दिया जा रहा है, जैसे कि इस मैच में ये आपको देखने को मिल सकता है। एस यहाँ से सुकुमारन की बात करें, सुकुमारन की इस सीजन का जो पहला मैच खेला था वहाँ पे बल्लेबाजी से काफ़ी लंबी पारी खेल करके दिया था, और 1 ओवर बॉलिंग करके इसको 1 विकेट भी मिला था। वहीं दूसरे मैच में आपने देखा बॉलिंग से ही अच्छा किया, बल्लेबाजी से यहाँ पर फ्लॉप किया, 2 ओवर बॉलिंग पूरा किया। यानी कि सुकुमारन, जो कि बॉलिंग भी पूरा करके देने के चांसेस है 1 से 2 ओवर, और बल्लेबाजी में भी काफ़ी खास प्लेयर आपके लिए, KBC के लिए नंबर वन चॉइस रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मसीदा वॉरियर्स की टीम गई मैच जीतने के भी चांसेस ज़्यादा है। वी शेख को खिलाया नहीं जा रहा, सेविन थॉमस जोसेफ कोई अच्छा प्लेयर है नहीं, एन पॉल कोई अच्छा प्लेयर है नहीं, यहाँ से कोई अच्छा है नहीं। बल्लेबाजी ऑप्शन देवेंद्र कुमार, जो कि बल्लेबाजी में 3रे पे आएगा। अगर मसीदा वॉरियर्स की टीम इस वजह से चेसिंग कर रही है ना, तो आपके लिए एक अच्छा प्लेयर रहेगा, अगर आपको लग रहा है कि पहला विकेट जल्दी गिरने वाला है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये गोजो की टीम 100 के करीब का स्कोर बनाएगी। लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है मसीदा वॉरियर्स की टीम, पहले बल्लेबाजी कर रही है, तो ये आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा। उसका जे पॉलसन भी बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आएगा, ये भी जरूरी प्लेयर रहेगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोजो के पास काफ़ी सारे बॉलिंग ऑप्शन है, तो शायद बॉलिंग ना करें, लेकिन बॉलिंग का भी काफ़ी अच्छा बॉलर भी है, लेकिन इस सीजन में अभी तक 2 ही मैचेस खेला, दोनों मैच में बॉलिंग नहीं किया हुआ है। यहाँ से सेंथिल रॉय को भी लेकर के चलूंगा, जो कि बल्लेबाजी में 3रे पे आएगा, ऐसा विकेट के पास खेलने वाला, कैचेस भी इसको काफ़ी सारे मिल रहे हैं, और रन्स भी आपको हर मैच में 15
20-40 रन के करीब बना करके दे ही रहा है, जरूरी प्लेयर रहेगा। आरती यानी इसके बात करें, ये भी ऐसा विकेट कीपर खेल रहा है, बल्लेबाजी में ये भी ऐसा ओपनर आ रहा है, हर बॉल पे छक्के चौके मारने को जा रहा है। आखिरी में जो 10वें विकेट से जीत गई इसकी टीम, वहाँ पर इसका भी हाथ है, वहाँ पर बल्लेबाजी से काफ़ी रन बना करके दिया हुआ है। ए यहाँ से पियोस्टीन की बात करें तो बल्लेबाजी में भी काफ़ी नीचे आएगा, 7 नंबर करीब, मुझे मालूम नहीं कि क्यों खिलाया जा रहा है, ऐसे ही बिना मतलब का खिलाया जा रहा है। आगे एक चीज़ कहूँगा ना, एक चीज़ का ध्यान देना, ये जो मैच होने वाला ना दिन का चौथा मैच है, ठीक है, तो तीसरे तीतन मैच का पहले स्कोर का देखेंगे, किसको किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है, किसको कितने ओवर पहले मैच में बॉलिंग मिला हुआ है, तो ये सभी पूरा स्कोर का देखने के बाद ही चौथे तीतन मैच की मैं अपनी फाइनल टीम आपको अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में भेज दूंगा, तो ज्वाइन होना मत भूलना। अगर आप 11 चैलेंजर्स ऐप को पैसे लगा रहे हो या फिर स्पोटेसी पर लगा रहे हो या फिर कुबेरा पर लगा रहे हो जहाँ पर मैं खुद भी लगाने वाला हूँ, तो आप एक काम करना कि तीसरा बल्लेबाजी यहाँ से लेकर के चलना, दो अच्छे प्लेयर है, पहला नाम है सी जेन जो कि आखिरी मैच है, 2 ओवर बॉलिंग भी पूरा करके आया हुआ, बल्लेबाजी में भी 6 नंबर पे आ गया, यानी कि रन भी बना करके दे सकता है अगर मौका मिले, और बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा किया, लेकिन मुझे लगता है इस मैच में शायद से बॉलिंग ना भी करे, क्योंकि अगर आप देखोगे गोचो के पास काफ़ी बॉल है, एम रफिक हर मैच से 2 ओवर पूरा करे, ए अंधोनी हर मैच से 2 ओवर बॉलिंग पूरा करे, स्टीव रॉय हर मैच से 2 ओवर बॉलिंग पूरा करे, शशि कुमार ने भी 2 मैचेस के लिए 3 ओवर बॉलिंग किया, यानी कि 1 से 2 ओवर करेगा ही करेगा, सबसे मेन बॉलर है अभिलाष जो कि 2 ओवर बॉलिंग करेगा ही करेगा, यानी कि इनके पास पहले से 5 ऐसे मेन बॉलर से जो कि 2-2 ओवर बॉलिंग करने के चांसेस है, तो कहीं ना कहीं 9 ओवर तो इनके कन्फर्म है, 9 ओवर इनके कन्फर्म है, बचा हुआ 1 ओवर यहाँ से हो सकता है कि बॉलिंग कर दे सी जेन, हो सकते कि 1 ओवर बॉलिंग कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि 1 ओवर भी बॉलिंग ना करे, 5 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं, ये एक थोड़ा सा रिस्क रहेगा। लेकिन जी दत्ता एक ऐसा प्लेयर जो कि एक मैच में कल के दिन में ऐसा ओपनर आया और एक मैच में बल्लेबाजी में 5 ओवर पे आया, यानी कि आपको बल्लेबाजी में ये भी 10-15 रन बना करके आराम से दे सकता है, लेकिन मैं सी जेन को ही लेकर के चलूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं मौका है वहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। उसके बाद मैं यहाँ से बॉलिंग ऑप्शन में लेकर के चलूँगा एम रफिक को। एक चीज़ आपको कहूँगा कि एम रफिक जो है 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग है ना गोजो की टीम का, तो गोजो तो मैच हारने वाली है, तो सेकेंड इनिंग में एम रफिक ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रखा है रिसेंटली फॉर्म में, तो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग है, यही रीज़न है कि इसको लेकर के चल रहा हूँ। ए एंथोनी ज़्यादातर मैचेस में इसको एक ही विकेट मिल पाते हैं, यानी कि 30 से लेकर के 40 के बीच आपको आसानी से पॉइंट्स दिला करके जाएगा। सेम वही चीज़ मैं अभिलाष के लिए भी आपको कहूँगा, 40 के करीब आपको ये भी पॉइंट्स दिला करके जाएगा, यानी कि ये दोनों वो बॉलर्स हैं जिनको ज़्यादातर मैचेस में एक ही एक विकेट मिलते हैं, पहला नाम है ए अभिलाष का और दूसरा नाम है एंथोनी का, ये दोनों ऐसे बॉलर्स हैं जो कि ज़्यादातर मैचेस में एक ही एक विकेट लेते हैं। मुझे लगता है गोजो हारेगी भी, MSW की मैच जीतने भी वाली है, तो इनके बॉलर्स को कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। स्टीव जॉय हो गया, एम रफिक हो गया, एस शशि कुमार हो गया, तीनों बॉलर्स काफ़ी अच्छा, अगर आप D11 पे पैसे लगा रहे हो एक काम करके चलना, यहाँ से सी जेन को ना लेकर के आप स्टीव रॉय और एम रफिक को भी लेकर के चल सकते हो। शशि कुमार प्लेयर बहुत बड़े लेवल का है, लेकिन क्या करें यहाँ पे एक ही ओवर बॉलिंग करने का शायद मौका मिले, यही रीजन है कि लेकर के नहीं चल रहा हूँ। मैं कैप लेकर के चलूंगा जिसका नाम सुकुमार है ना, वीसी सीजल रॉय को लेकर के चलूंगा, रीजन के आगे बात करेंगे। उससे पहले देखो, ये जो मैं आपको एक टीम बना के दे रहा हूँ ना, ये एक हमारी इनिशियल टीम है जो कि लाइनअप आने से पहले की टीम आफ्ता, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, क्योंकि मान लो कोई प्लेइंग 11 में मेरा प्लेयर ना हो या फिर मान लो मेरा मन आखिरी में चेंज हो, तो उसके बाद जो भी फाइनल टीम होगी मैं स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चलूंगा आपको फ्री में इसी तरीके से फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स सब सुबह पिन किया हुआ मिल जाएगा, यहाँ से ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि यहीं पर मैं अपनी फाइनल टीम आपको भेजने वाला हूँ जिस टीम से मैं खुद पैसे लगाऊंगा। उसके अलावा मैं इस मैच के अंदर मैं अपने पूरे पैसे जो 11 चैलेंजर्स पर लगाने वाला हूँ, यहाँ पर आपको फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन है सबसे ज्यादा आपको लो एथर फीस 11 चैलेंजर्स भी देखने को मिलेगा। अगर आप दूसरे किसी ऐप पर खेल रहे हो 1000 रुपये कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे सेम वही कॉन्टेस्ट आपको 900 करीब का मिल जाएगा, यानी कि काफी सारे आप ऐसे रियल कैश बचा सकते हो बिना हारे और बिना जीते ही। तो मेरे कहने पे एक बार 11 चैलेंजर्स ऐप को ट्राई जरूर करना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, जाओ भी कभी वहां से डाउनलोड जरूर कर लेना।